नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। गुब्बारे की तरह फूले फूले और कमल की पंखुड़ियों की तरह खिले खिले मूली के पराठे की पूरी रेसिपी देखने के लिए आपके अपने चैनल ब्यूट द हीट को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और समस्त नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। पराठे के भरावन के लिए या फिलिंग के लिए बारीक कटा हुआ प्याज पत्ता, लहसुन पत्ता, करी पत्ता ले लिया है, अदरक बारीक कटा हुआ, मिर्ची बारीक कटा हुआ, अजवाइन और धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा ले लें। पराठे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लाल मिर्च पाउडर, मैगी मसाला पाउडर चटपटा बनाने के लिए और अधिक चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला ले लिया है। तीन मूली को धोकर छील लें, तत्पश्चात कद्दूकस कर लें। अब उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार नमक डालकर 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। जब मूली अपना पानी छोड़ दे तो एक कपड़े की सहायता से उसका पूरा पानी निचोड़ दें। ध्यान रहे, मूली के पानी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं, इसलिए इस पानी को फेंकें नहीं। इससे हम पराठे का आटा तैयार करेंगे। इस प्रोसेस को करने से मूली के पराठे बेलते समय पानी नहीं छोड़ेंगे। अब उसकी गांठों को अच्छे से अलग कर लेंगे और तैयार किए हुए मसालों को इसमें मिला देंगे और उसको भी हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है, हमको हल्के हल्के हाथों से ही इसको मिक्स करना है। हमारा भरावन भी अच्छे से तैयार हो गया है और मैंने आटा गूंद करके लोई भी बना करके रख लिया है। दोस्तों, मैं अभी जो करने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मैं आपके सामने इस वीडियो को ऐसे ही प्रेजेंट कर रही हूँ जैसे मैंने बनाया है। इसका कोई भी पार्ट मैंने स्किप नहीं किया है, कोई भी एडिटिंग नहीं की है। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप भी इसकी किसी भी पार्ट को स्किप ना करें, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू। लोई में आटा लेकर फैलाने से भरावन करते समय थोड़ा बहुत भरावन में जो पानी रहता है उसको आटा ऑब्जर्व कर लेता है। हमारी लोई अंदर से मोटी और बाहर से थोड़ी सी पतली है। ऐसे फैला लेने के बाद में आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें भरावन डाल लें। कोई भी पराठा बनाते समय लोई सामान्य रोटी से ज़्यादा लें, मतलब दुगने साइज़ का लें। मैंने यहाँ पे लोई 2 रोटी के बराबर ली है। अब फिलिंग को हम इसमें डाल देंगे और फिलिंग को अंदर करते हुए और लोई को ऊपर की तरफ करते हुए अच्छे से आपस में ऐसे मिक्स कर लेंगे अंदर, और उसकी एक गांठ बना लेंगे और बचे हुए आटे को अलग कर लेंगे। बचे हुए आटे को लोई से अलग कर देंगे और उस लोई को हम धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से गोल गोल कर लेंगे और हल्का हल्का दबा देंगे। उसके पश्चात थोड़ा सा आटा लेंगे और वहाँ पे भी उसको हम हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, वरना हमारे पराठे का मसाला पिचक के बाहर आ जाएगा। हल्के हल्के हाथों से फैलाने के बाद बचे हुए आटे को झड़ा देंगे। अब चौकी में लेकर बेलने से पहले वापस इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। यदि आप पहली बार पराठे बना रहे हैं तो इस प्रोसेस को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। इस प्रोसेस को फॉलो करने से पराठे से संबंधित आपकी सभी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करने के बाद बेलन ले लेंगे और बेलन को भी हल्के हाथों से चलाएंगे। मैंने शुरुआत बीच से किया है, आप साइड से करेंगे। और हल्के हल्के हाथों से पराठे को सभी तरफ से एक सार बेल लेंगे, मतलब कोई भी तरफ ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। हल्के हल्के हाथों से बेलने के बाद बीच बीच में कभी कभी हल्के हल्के हाथों से बेलन को चला लें और पराठा तैयार कर लें। देखिए, मैंने हल्के हल्के हाथों से बेलन चला करके पराठा अच्छे से तैयार कर लिया है। इसको करने से हमारे पराठे फूटेंगे नहीं और मसाले भी नहीं छोड़ेंगे। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हल्के हल्के हाथों से बेलते हुए मैंने बाकी के सारे पराठे भी बना करके तैयार कर लिए थे। देखिए, हमारे पराठे एकदम परफेक्ट बने हैं। अब हम इसको सेकने की तैयारी शुरू करते हैं। हमारे पराठे ना ही ज़्यादा मोटे बने हैं ना ही ज़्यादा पतले बने हैं। मैं आपको पराठा और पास से दिखा देती हूँ ताकि आप श्योर हो जाएं कि हमारा पराठा परफेक्ट बेल गया है। मैंने
तवा भी प्री हीट करके और हल्का सा तेल लगा करके रखा था। अब हम पहला रोटी सेकने के लिए चलते हैं, मतलब मूली के पराठे को सेक लेते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को भी, मतलब ये वाले पार्ट को भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैंने आपके सामने एज इट इज़ उतना सारा पूरा वीडियो आपके साथ में बिना एडिटिंग के आपके सामने प्रेजेंट किया है। थैंक यू। लाइफ में बहुत उथल पुथल, वैसे ही रोटी को भी उथल पुथल मतलब अल्टी पल्टी करके दोनों तरफ से अच्छे से सेक ले। हमारा रोटी एक तरफ से सेक गया है, अब दूसरी तरफ को भी हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। मीडियम आंच पे सेकना है। अब ये साइड भी अच्छे से जब सिका जाएगा तो इसको पलट देंगे। कोई भी पराठा बनाते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि उसको मध्यम आँच में दोनों तरफ से सेक ले। जब दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए, मतलब हल्का हल्का इस तरह सिक जाए, तो अब उसमें हम आप जो भी चाहें तेल बटर या घी जो भी चाहें वो किनारे से डालें। जब भी किनारे से आप इसमें तेल डालेंगे या बटर डालेंगे या घी डालेंगे तो देखिएगा आपका पराठा ऑटोमेटिकली फूलेगा गुब्बारे की जैसे। हमारा मूली का पराठा भी बहुत नाराज़ हो गया है, गुब्बारे की जैसे फूल गया है और बिना किसी मेहनत के ये फूल गया है। अब इसको पलट लेते हैं और इसके किनारों को भी हल्के हल्के हाथों से पलटे की सहायता से सेंक लेंगे। देखिए गैस कैसे निकल रहा है हमारे मूली के पराठे से। ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि अब मेरा तवे से बाहर निकलने का टाइम आ गया है और एक बार तू मुझे खा फिर मैं तुझे बताता हूँ। और हाँ, मैं भी आप लोगों से नाराज़ होकर के इस तरह गुब्बारे की तरह फूल जाऊंगी। मतलब अगर आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है मैं तो फूलूंगी ना। सॉरी, मजाक कर रही थी। चलिए अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और दूसरे वाले पराठे को भी सेंक लेते हैं। दूसरा वाला पराठा भी मैंने डाल दिया है, इसको भी दोनों तरफ से बराबर बराबर अच्छे से सेंक लेंगे और उसके बाद ही इसमें ऑयलिंग घी या बटरिंग आपकी जो इच्छा हो उस तरीके से बनाएं, खाएं, खिलाएं, सर्व करें और मुझे भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्यार के साथ। गोल गोल रानी इत्ता इत्ता पानी, तू एक तरफ से अच्छे से सिक गया है, अब पलट जा जानी। मतलब थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे गोल गोल घुमा के सब तरफ से हल्के हल्के आँच में, मध्यम मध्यम आँच में, सॉरी वंस अगेन, इसको हम सेंक लेंगे और पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी जब अच्छे से हमारा पराठा सिक जाए आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं गोल गोल घुमा के उसको वापस से पलट देंगे। और पलटने के बाद हम देखेंगे कि उसमें अभी तेल या घी डालने लायक है कि नहीं। अब देखिए हमारा पराठा एकदम परफेक्ट है तेल या घी डालने के लिए। अब मैं मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा घी बना रही हूँ, मतलब घी डाल रही हूँ। अब देखिए इसको डालने के तुरंत बाद हमारा पराठा अच्छे से फूल जाएगा। नहीं फूलेगा तो मैं ज़बरदस्ती फुलाऊँगी, लेकिन मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। हमारा पराठा ज़्यादा बिना किसी मेहनत के ऑटोमेटिकली फूल जाएगा। अब पलट ले और पराठे का जो किनारा नहीं सिकाया है उसको पलटे की सहायता से हल्का हल्का प्रेस कर लें, एकदम हल्का हल्का प्रेस कर लें और सेंक लें। अब देखिए दोस्तों हमारा पराठा तैयार है ना। ये भी गैस छोड़ने लगा, सॉरी बन सके। तो देखा आपने दोस्तों, हमारा दोनों पराठा अच्छे से सिक के तैयार हो गया है। और आपके लिए मैंने इस वीडियो के कोई भी पार्ट को स्किप नहीं किया है और तीसरा पराठा भी अच्छे से फूल गया है। तो लीजिए दोस्तों, पेश है कमल की पंखुड़ियों की तरह खिला खिला फूला फूला मूली का पराठा। अब थोड़ी सी बदमाशी मैंने की है इसमें, खूब सारा मोज़रेला चीज़ डाल के इसको हमने ओपन हार्ट सर्जरी कर लिया है और उसमें मोज़रेला चीज़ डाल के हम इसमें लिड लगा देंगे। और दो मिनट के बाद जब हम लिड को ओपन करेंगे तो
देखिए ओपन हार्ट सर्जरी में क्या आता है, खूब सारा मोज़रेला चीज़ डला हुआ है इसमें, और हमारे मूली के पराठे में मसाले भी सब तरफ बराबर से अच्छे से खूब सारा मसाला डालने के बाद भी पूरी तरीके से अच्छे से मसाला किनारे किनारे तक गया है दोस्तों, खूब सारे मोज़रेला चीज़ के साथ और फूले फूले और साथ में कमल की पंखुड़ियों की तरह खिले खिले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, डियर फ्रेंड? अच्छा है मैं अंधा हूँ ना? और हाँ, देखिए मैंने दूसरे वाले मूली के पराठे को भी खूब सारे मोज़रेला चीज़ के साथ ओपन हार्ट सर्जरी कर लिया है। वाओ, सो डिलीशियस, और मसाला भी सब तरफ बहुत अच्छे से फैला है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, अब ये रेसिपी अपने घर में बनाइए और अपने घर के सभी सदस्यों को खिलाइए। और हाँ, इसका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ। तब तक अपने का ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्यार भाईचारे के साथ रहें। बाय एंड लव यू ऑल।